पता है भारत में पहला टेलीफोन एक्सचेंज कलकत्ता में बना 1881 में, बस 50 लाइनें थी। हाँ, और कलकत्ते में पहली इलेक्ट्रिक कंपनी आई 1899 में, और साल भर में इलेक्ट्रिक ट्रेनें शुरू हुई। पहली कार 1892 में आई और 1904 में तो 60 कारों की रेस भी हुई। राइट बंधुओं ने विमान उड़ाकर दिखाया 1903 में और 1920 तक हमारे यहाँ नियमित विमान सेवा शुरू हुई बम्बई से कराची। हमने सिनेमा पहली बार देखा 1896 में और 1913 में दादा साहेब फाल्के ने राजा हरिश्चंद्र बनाई पहली फीचर फिल्म। मार्कोनी ने अटलांटिक महासागर के पार रेडियो सिग्नल्स भेजे 1901 में। 1906 में पहला रेडियो प्रोग्राम, 1928 पहला टीवी प्रोग्राम, 1902 रदरफोर्ड ने एटॉमिक स्ट्रक्चर जाना, 1930 एटम को तोड़कर उसके न्यूक्लियस को समझने का काम शुरू हुआ। फिर तो हमने कंप्यूटर्स बनाए और उसके बाद सुपर कंप्यूटर्स भी। हम चांद पर पहुंच गए, खुद के उपग्रह भी बनाए। इन सब से बढ़कर ये कि इसी सदी में इंसान ने आजादी, गणतंत्र और शांति के महत्व को और भी गहराई से समझा। 20वीं सदी ये है 20वीं सदी, संसार को हिलाने वाली बातों की सदी। ये वक्त है विज्ञान का जो बदल दे सब कुछ, ये समय है सपनों का जो साकार हो कुछ कुछ। 20वीं सदी क्रांति से जागा ये विश्वास, अपने हाथों में संसार, अपने बस में है इतिहास। यहाँ हिंदुस्तान में भी नए भाव जगे, इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगे। 20वीं सदी बंदूक की गोली ने जहर ऐसा घोला, छिड़ गई वो जंग के सारा जहान डोला। अब रेडियो पर लोग सुन रहे थे खबर, जब जंग हुई खत्म किया सबने सबर कि अब अमन से रहेंगे। हुई फिर से जंग मगर थी हुई न कभी जैसी इस जमीन पर। का मैदान आसमां को फिर बनाया, हिरोशिमा नाम जहन पे छाया। 20वीं सदी चाहे तो विज्ञान से कर सकते हैं विनाश, देश के विकास की हमने की थी इससे आस। देखे कितने सारे सपने जब आजादी हमने जीती, पर उस घड़ी से पहले की सुनाई आप बीती। 20वीं सदी समुद्र के किनारे अंग्रेजों का एक किला था। इसमें वो सामान रखते थे जो विदेश भेजते थे। इस किले के आसपास एक शहर बसने लगा। बंबई, यहाँ के बड़े और गहरे बंदरगाह का अंग्रेजों ने विकास किया। स्टीम पावर के आने से बड़े बड़े जहाज बनने लगे और ऐसे बंदरगाहों की जरूरत पड़ी। और जब सुएस कैनाल बना तब इसका महत्व और बढ़ा। अब ये इंग्लैंड से भारत तक का सबसे नजदीकी बंदरगाह था। बंबई के पूर्वी तट पर कई गोदियां बनी। यूं बंबई व्यापार का मुख्य केंद्र बन गया।
कई और छोटे कस्बों के साथ ऐसा ही हुआ। कलकत्ता मद्रास इसी तरह बढ़े। इन शहरों ने बहुत से लोगों को आकर्षित किया। हर हुनर के लोग यहां आकर बसे। हर तरह के कारीगर। सेठ साहूकार भी। अब शहर में पैसे कमाने के काफी मौके थे। उन्नीसवीं सदी के मध्य तक अंग्रेजों के लिए तैयार माल ही नहीं बल्कि मशीनों का निर्यात करना भी लाभदायक होने लगा और यूं हिंदुस्तान में कारखानों का दौर शुरू हुआ। कमीशन एजेंट का काम करने वाले सेठ साहूकारों ने इन कारखानों में पूंजी लगाई। यहां बंबई में कई कारखाने खुले। शुरू में तो ज्यादातर कपड़ा मिले ही थी। पहली बार अब गांव की परंपरा से हटकर अलग अलग जाति धर्म और इलाके के लोग एक साथ रहने लगे। इन लोगों की अपनी एक पहचान बनी, मजदूर वर्ग। सारे एक साथ आए, एक नए किस्म का संगठन बना, ट्रेड यूनियंस। ना सिर्फ अपनी आर्थिक मांगों के लिए बल्कि अपने देश की गुलामी के विरोध में भी इस वर्ग ने आंदोलन किए, जैसे 1908 की मजदूर हड़ताल, तिलक की रिहाई के नारे पर। कितना कुछ हो रहा था इन शहरों में। 19वीं सदी के मध्य तक ये शहर व्यापार और प्रशासन के केंद्र बन गए थे। रेलवे और टेलीग्राफ ने सारे देश को जोड़ दिया। समान शासन व्यवस्था आई और साथ साथ अर्थव्यवस्था भी केंद्रित हुई। अब अगर कहीं अकाल पड़ा या बाढ़ आई तो इसका असर पूरे देश में पड़ने लगा। लेकिन इसका यह भी परिणाम हुआ कि हम अपने आप को एक देश के रूप में देखने लगे। इन शहरों में हो रहा आधुनिक शिक्षा का प्रसार भी देश भर के लोगों को एक साथ लाया। धीरे धीरे उच्च शिक्षा पाने वालों की संख्या बढ़ रही थी। इनसे एक नया बुद्धिजीवी वर्ग तैयार हुआ जो अंग्रेजी जानता था। लोग दुनिया की घटनाओं से वाकिफ हुए। उन्हें अपनी गुलामी का एहसास हुआ। अंग्रेजी राज के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई, राष्ट्र भावना का प्रसार किया, सारे देश भर में अपने विचारों को फैलाना चाहा। इस दिशा में सोचने वाले लोग एक साथ आए, हर जगह, हर शहर से। उन्होंने यहां बंबई में दिसंबर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की। इस कांग्रेस का महत्व सामने आने वाला था अगली सदी की घटनाओं से। इस नए सोच विचार की शुरुआत हुई इन शहरों में।
20वीं सदी ने जो बदलाव देखे किसी दूसरी सदी ने नहीं। सारी दुनिया सब तरफ से तेजी से बदल रही थी। विज्ञान, राजनीतिक विचारधारा, अर्थव्यवस्था और समाज, सब कुछ। ऐसे में हमारे यहाँ क्या हो रहा था? जैसा शहनाज बता रही थी, राजाओं नवाबों की परंपरा से निकलकर एक नई शहरी संस्कृति जन्म ले रही थी। बम्बई, कलकत्ता, मद्रास जैसे महानगरों में नए वर्ग बन रहे थे। कारखाना मालिक, कारखाना मजदूर, मध्यम वर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग। ये वर्ग बने तो थे अंग्रेजी अर्थव्यवस्था के कारण, पर आज़ादी की लड़ाई में नया नेतृत्व भी इन्हीं लोगों में से आया। ये समझ साफ हो रही थी कि अपनी निजी अर्थव्यवस्था का विकास जरूरी है। स्वदेशी आंदोलन इसका एक उदाहरण था। भारत को चाहिए थे ऐसे उद्योग जो भारतीय पूंजी के आधार पर स्थापित हो। इसके लिए साइंटिस्ट और टेक्नीशियंस की जरूरत थी, पर तब साइंस की पढ़ाई इतनी आसान नहीं थी। विज्ञान पर अधिकार जमाना खुद आज़ादी की दिशा में एक कदम था। इसलिए हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि 20वीं सदी तक जो विज्ञान में काम कर रहे थे वो आज़ादी की लड़ाई से भी जुड़े थे। नई खोजों के साथ साथ विज्ञान प्रचार के महत्व को भी समझा गया और इस हलचल का एक प्रमुख केंद्र बना अंग्रेजों की भारतीय राजधानी कलकत्ता। हाल ही में रंजन और रघु कलकत्ता की बोस इंस्टीट्यूट गए थे, जिसकी स्थापना जगदीश चंद्र बोस ने 1917 में की थी। वहां दोनों की मुलाकात हुई दिवाकर सेन से, जिन्होंने जेसी बोस के बनाए हुए यंत्रों का परिचय दिया। ये 100 बरस का पुराना इंस्ट्रूमेंट है, ये जेसी बोस ने बनाया। ये है ट्रांसमीटर, ये है रिसीवर, यहाँ से माइक्रोवेव जनरेट जब होगा, जैसी व्हाट हैपेंस। ट्रांसमीटर से ये रिसीवर, आफ्टर रिसीविंग गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन, नीडल डिफ्लेक्शन इज देयर। इसी वायरलेस सिग्नलिंग सेट का डेमोंस्ट्रेशन 1895 में कलकत्ता के टाउन हॉल में जगदीश चंद्र बोस ने किया था, मार्कोनी के 2 साल पहले। बाद में इसे उन्होंने रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन में भी प्रदर्शित किया। बोस पहले भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्हें दुनिया भर में मान्यता मिली। इस इंस्ट्रूमेंट का सबसे महत्वाकांक्षी अंग है ये रिसीवर, जिसे बोस ने बनाया और कोहरर नाम दिया। इसे बनाते वक्त उनके ध्यान में आया कि रिसीवर्स 2 प्रकार के हैं। एक पी या पॉजिटिव टाइप, जिसमें रिसीवर में करंट बढ़ जाता है, और दूसरा एन या नेगेटिव टाइप, जिसमें रिसीवर में करंट कम हो जाता है। तब ये मालूम नहीं था कि ये रिसीवर्स सेमीकंडक्टर सिद्धांत पर काम करते हैं। इसकी जानकारी 50 साल के बाद ही होने वाली थी। आज ये मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स की बुनियाद है। जेसी बोस वनस्पतियों पर किए गए प्रयोगों के कारण ज्यादा मशहूर रहे, हालांकि वो एक माने में पहले बायोफिजिसिस्ट थे, लेकिन उनका महत्वपूर्ण काम फिजिक्स में रहा, जिसे उन्होंने लंदन यूनिवर्सिटी में पढ़ा था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और उनके प्रॉपर्टीज पर उन्होंने काम किया, और वो 1 सेंटीमीटर से 5 मिलीमीटर वेवलेंथ वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनाने में कामयाब रहे, जो आज माइक्रोवेव के स्पेक्ट्रम में आती है। इन प्रयोगों के दौरान ही उनकी वनस्पतियों में रुचि बढ़ी। बाद में उन्होंने वनस्पतियों पर उनके रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई पर कई प्रयोग किए, जैसे इलेक्ट्रिक करंट का पेड़ पौधों पर क्या असर होता है, उनका नर्वस सिस्टम किस प्रकार का होता है। इन अलग अलग प्रतिक्रियाओं को रिकॉर्ड करने के लिए उन्होंने अपने उपकरण बनवाए यहाँ पर अपनी छोटी सी प्रयोगशाला में, यहीं के कारीगरों की मदद से। उस वक्त के और वैज्ञानिकों की भी ऐसी ही कोशिश थी। शुरू शुरू में तो उन्हें खुद ही इंस्ट्रूमेंट्स का इंतजाम करना पड़ता था। मेघनाथ साहा, जिन्होंने न्यूक्लियर फिजिक्स में काम किया था, अपने इंस्ट्रूमेंट्स खुद बनाए। यहाँ पलित लैब में भारत का पहला साइक्लोट्रॉन बैठाया गया। दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनने के एक ही साल बाद साहा ने अपने विद्यार्थियों के साथ उसे यहाँ बनाया।
कहा जाता है कि साहा अपने विद्यार्थियों को दूसरे महायुद्ध के भंगार बाजार में सामान खरीदने भेजते थे और उपकरण बनाने के लिए उसका उपयोग करते थे। जिस माहौल में साइंस एजुकेशन करना ही इतना मुश्किल था, उसमें रिसर्च या कोई ओरिजिनल काम करना तो और भी दूर की बात थी। और फिर उस रिसर्च और साइंस एजुकेशन का भी कोई फायदा नहीं था जब तक उसका उपयोग नहीं हो पाता। उस दौर के एक वैज्ञानिक प्रफुल्ल चंद्र राय ने भी ये बात महसूस की कि उनके ज़्यादातर विद्यार्थी केमिस्ट्री पढ़ने के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव कामों में लग जाते थे, और यही वजह थी कि पीसी राय ने अपने विद्यार्थियों के साथ बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स की स्थापना की। बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स एक अलग तरह का उद्योग था, जिसका मुनाफा जाता था मजदूरों को, रिसर्च करने वालों को, विद्यार्थियों को। प्रफुल्ल चंद्र राय वैज्ञानिक जगत में प्रसिद्ध हुए मर्क्यूरस नाइट्राइड बनाने की विधि के खोज के कारण। विज्ञान का उपयोग वे नए उद्योगों की स्थापना में करना चाहते थे ताकि देश की आर्थिक हालत सुधारी जा सके। दवाइयों और अन्य रसायन बनाने के लिए शुरू हुआ ये उद्योग जल्द ही कलकत्ता सोप वर्क्स, बंगाल एनामल्स, बंगाल पॉटरीज जैसे उद्योगों में विकसित हुआ। इनमें भारतीय वैज्ञानिकों और तकनीशियनों को काम करने का मौका मिला और भारतीयों ने ही इन उद्योगों में पूंजी लगाई। अपने आखिरी सालों में पीसी राय फिर अध्यापन की ओर झुके और सामाजिक कामों में भी सक्रिय रहे। ১৯০৭ में एक 19 वर्षीय युवक मद्रास से कलकत्ता आया था अकाउंटेंट जनरल के ऑफिस में काम करने। एक दिन ट्रैम में जाते जाते उसने एक साइन बोर्ड देखा, इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस। उसी शाम वो वहां पहुंच गया। उस समय एसोसिएशन के सेक्रेटरी थे अमृत लाल सरकार। युवक ने उनसे कहा वो रिसर्च करना चाहता। सरकार ने खुशी से युवक के हाथ में चाबियां सौंप दी और यूं सीवी रामन अपना वैज्ञानिक काम शुरू कर सके। सीवी रामन का जन्म हुआ था 7 नवंबर 1888 को। तब से आज तक 100 साल बीत चुके हैं और यहाँ कलकत्ता के बिरला इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजिकल म्यूजियम में रामन जन्म शताब्दी मनाई जा रही है। रामन बड़े बुद्धिमान विद्यार्थी थे। 11 साल की उम्र में ही उन्होंने मैट्रिक किया और 18 साल की उम्र में उनका पहला साइंटिफिक पेपर छपा। हालांकि वो अकाउंट्स में नौकरी करते थे, उनका असली इंटरेस्ट साइंस में ही था। नौकरी के साथ साथ वो अपने खाली समय में अकेले कल्टीवेशन ऑफ साइंस के लेबोरेटरी में काम करते रहते। इन सालों में उन्होंने काफी महत्वपूर्ण प्रयोग किए। ध्वनि विज्ञान या एकुस्टिक्स में उनकी हमेशा दिलचस्पी रही। इसी सिलसिले में उन्होंने वाद्यों के आवाज के खासियत को समझने की कोशिश की। तबला, मृदंगम वगैरह में और पश्चिमी ड्रम्स में फर्क यह है कि पश्चिमी ड्रम्स में बस एक चमड़ा तना हुआ रहता है और एक ड्रम से अक्सर एक ही तरह की आवाज निकलती है, मगर हिंदुस्तानी ताल वाद्यों की बनावट अलग होती है। है ना सबसे सुरीला, यह है असली तबला। रामन समझ सके कि इस पर अलग अलग सुरीले बोल इसलिए बजाए जा सकते हैं क्योंकि इसके तने हुए चमड़े पर चमड़े की और एक रिंग है और बीच में परतों में लगी हुई काली स्याही। वैसे तो हर वैज्ञानिक को दुनिया के बारे में जिज्ञासा होती है। रामन को छोटी छोटी बातों में बड़ी जिज्ञासा थी। जब वो यूरोप गए तो अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने समुद्र के बदलते रूप देखे, उसकी नीलिमा देखी। समुद्र का रंग नीला क्यों होता है? तब यही माना जाता था कि आसमान नीला है और उसकी परछाई समुद्र को भी नीला बना देती है। और आसमान नीला है क्योंकि प्रकाश डस्ट के पार्टिकल से टकराकर एक खास तरह से बिखरता है।
रामन को इससे संतोष नहीं हुआ। उन्होंने प्रयोग किए और ये साबित किया कि वातावरण में जिस तरह प्रकाश बिखरता है उसी तरह पानी के मॉलिक्यूल से टकराकर पानी में भी बिखरता है। प्रकाश के द्रव या लिक्विड्स में बिखरने पर उन्होंने कई प्रयोग किए जिनका नतीजा था रामन इफेक्ट। जब कोई मोनोक्रोमैटिक या एक वेवलेंथ के प्रकाश की किरणें या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किसी शुद्ध लिक्विड से गुजरती हैं तो दो बातें हो सकती हैं। लाइट पार्टिकल या फोटोन या तो उस लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच से निकल जाएगा या उनसे टकराएगा। टकराने पर वो अपनी एनर्जी या तो मॉलिक्यूल को दे देगा या उस मॉलिक्यूल से एनर्जी पाएगा। इनमें से कौन सी प्रक्रिया होगी ये उस खास लिक्विड के मॉलिक्यूल की खास बनावट पर निर्भर है। अगर एनर्जी कम हुई तो किरण की वेवलेंथ बढ़ जाएगी और एनर्जी बढ़ी तो वेवलेंथ कम हो जाएगी। एनर्जी घटने या बढ़ने से प्रकाश किरण का रंग भी बदल जाएगा। इस बदले हुए रंग को रामन ने इसी स्पेक्ट्रोमीटर से देखा नापा। अलग अलग रसायनों के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जानने के लिए रामन इफेक्ट बहुत ही उपयुक्त साबित हुआ, क्योंकि अब प्रकाश किरण का रंग कितना और किस दिशा में बदला है ये देखकर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जाना जा सकता था। केमिस्ट्री की कई समस्याओं का हल हो सका। इसी खोज के लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला। अब तक विज्ञान की यही धारणा थी कि प्रकृति को अंतिम रूप में समझा जा सकता है। न्यूटोनियन साइंस की यही नींव थी। अब 20वीं सदी में यह धारणा भी बदल गई। 19वीं सदी के आखिरी दशक तक यूं लगने लगा था कि विज्ञान का बुनियादी काम पूरा हो चुका है, लेकिन इससे सिर्फ 50 साल के भीतर जो सिद्धांत स्थापित हुए उन्होंने पुराने सिद्धांतों को उलट पुलट दिया। इससे यही शिक्षा मिली कि ऐसा कोई अंतिम सत्य नहीं जहां पहुंचकर विज्ञान रुक जाता है। आइंस्टाइन के प्रसिद्ध सूत्र तो हम सब जानते ही हैं। पहले एनर्जी और मास बिल्कुल अलग अलग माने जाते थे, उसके बाद यह सिद्ध हुआ कि उन्हें एक दूसरे में बदला जा सकता है। न्यूक्लियर एनर्जी इसी का उदाहरण है। उसी तरह वेव्स और पार्टिकल्स, इन्हें भी बिल्कुल अलग अलग माना जाता था। धीरे धीरे ये दीवार भी टूटी और ये दोनों वास्तविकता के दो पहलुओं के रूप में माने जाने लगे। आज का आधुनिक विज्ञान इसी नींव पर टिका हुआ है। और सिर्फ यही नहीं, मगर एक्सरेज, सेमीकंडक्टर्स, ट्रांजिस्टर्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये सब इस नए विज्ञान का परिणाम है। पारंपरिक विज्ञान में ये बदलाव आया ये बहुत तेज और बुनियादी था। बोस और राय के बाद के वैज्ञानिकों की पीढ़ी ने इस बदलाव में गहरी रुचि ली। जैसे आइंस्टाइन की थियोरी ऑफ रिलेटिविटी का मूल जर्मन भाषा से अंग्रेजी अनुवाद किसी यूरोपीय देश में नहीं बल्कि कलकत्ता में हुआ था, और वो अनुवाद किया था सत्येंद्रनाथ बोस ने। एसएन बोस का आधुनिक फिजिक्स में बड़ा योगदान रहा। आइंस्टाइन के साथ उन्होंने सब एटॉमिक पार्टिकल्स के व्यवहार को समझाने वाला बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स बनाया, जिसके आधार पर चलने वाले पार्टिकल्स को बोसॉन्स कहा जाता है। हाँ, उन दिनों विज्ञान में बुनियादी काम करना संभव था, महंगे उपकरणों और संस्थानों के सहयोग के बगैर भी। ऐसा ही बुनियादी काम खगोल विज्ञान में भी हुआ। जो वैज्ञानिक अब तक ग्रह तारों की कक्षा का मापन या उनके स्थान का निर्धारण कर रहे थे, वो अब इस अध्ययन में लग गए कि तारे बने किन पदार्थों से हैं। इसी खोज से एस्ट्रोफिजिक्स की शुरुआत हुई और इसमें मेघनाथ साह का बड़ा योगदान रहा। उनके काम की कुछ बातों को समझने मैं उदयपुर की सोलर ऑब्जर्वेटरी गई थी। वहां मैं मिली डॉक्टर अरविंद भटनागर से। रंग और तापमान का संबंध हमें पहले से पता था। जैसे लोहे को गर्म करे तो वो पहले लाल, बाद में केसरिया और आखिर में सफेद हो जाता है। ऐसी ही समझ तारों के वर्गीकरण का आधार बनी। हर पदार्थ की अपनी खास स्पेक्ट्रल लाइन होती है जो उस पदार्थ की निशानी है।
इस स्पेक्ट्रम के अध्ययन से हम सूर्य का तापमान और सूर्य में कौन कौन से पदार्थ हैं उनका पता लगा सकते हैं। और ये दो लाइनें सोडियम की हैं। जब वैज्ञानिकों ने तारों के प्रकाश को स्पेक्ट्रोमीटर से देखा तब उन्हें इनमें अलग अलग पदार्थ नजर आए, अलग अलग मात्रा में। जैसे सूरज में सोडियम कैल्शियम जैसे हैवी मेटल्स ज्यादा दिख रहे थे जबकि हाइड्रोजन बहुत ही कम, पर व्यात तारे में हाइड्रोजन ज्यादा नजर आया। तो इसका मतलब क्या तारे सचमुच अलग अलग पदार्थों से बने हैं? इस समस्या पर काम किया मेघनाथ सहा ने। 1920-21 में लिखे अपने लेखों में उन्होंने बताया कि तारों की अलग अलग स्पेक्ट्रल लाइंस होने का एक महत्व का कारण है तारों का तापमान और दबाव। किसी एटम के इलेक्ट्रॉन को पर्याप्त ऊर्जा देकर उत्तेजित किया जाए, जैसे ज्यादा तापमान देकर, तो वो इलेक्ट्रॉन अपनी मौजूदा कक्षा से निकलकर एटम को छोड़ देता है। इसे आयनाइजेशन कहते हैं। इसी आयनाइजेशन से विशिष्ट स्पेक्ट्रल लाइंस दिखाई देती हैं। जैसे सूरज और व्यात को ही लीजिए, दोनों की सतह पर समान तत्व हैं, लेकिन उनकी स्पेक्ट्रल लाइंस बिल्कुल अलग अलग हैं, क्योंकि व्यात की सतह का तापमान है 10,000 डिग्री केल्विन, सूरज से दुगना। इस तापमान में सोडियम कैल्शियम जैसे हैवी मेटल्स पहले ही पूरे आयनाइज होते हैं, उनके और आयनाइज होने का सवाल ही नहीं उठता। और इसीलिए सूरज की स्पेक्ट्रम में दिखने वाली हैवी मेटल्स की लाइंस व्यात के स्पेक्ट्रम में नहीं दिखती। यूं तापमान और दबाव के आधार पर सहा ने जो इक्वेशन बनाया उससे हम पृथ्वी से करोड़ों मील दूर तारों के वातावरण का अंदाजा कर सके। अगर 2000 अरब हाइड्रोजन बॉम्ब एक साथ विस्फोट हों, तो इतनी ऊर्जा इस सोलर फ्लेयर से निकल रही है, इसके अंदर कम से कम 20 पृथ्वी आसानी से समा सकती है। जैसे कि आपने अभी सोलर फ्लेयर देखी, इसमें चुंबकीय शक्ति यानी कि मैग्नेटिक एनर्जी ऊर्जा में बदल रही है। अगर हम इसको अच्छी तरह से समझ सकें तो बहुत हद तक पृथ्वी पर ऊर्जा की समस्या हल हो सकती है। मेघनाथ साहब मुझे इसलिए अलग लगते हैं कि वो अपने काल की समस्याओं के बारे में भी जागरूक रहे। देश के भविष्य की योजना बनाने वालों में उनका नाम आता है। जब रघु और मैं कलकत्ता के सहा इंस्टीट्यूट गए थे, हम इनाक्षी और शांतिमय चैटर्जी से मिले। दोनों ने मिलकर सहा पर किताब लिखी है। शांतिमय चैटर्जी सहा के साइंस एंड कल्चर मैगजीन के संपादक भी हैं। हमारे देश में ऐसे तो मॉडर्न साइंस आया भी देर से, जब आया तब भी ये सब इंडिविजुअल साइंटिस्ट जो थे, जैसे पीसी रे, जैसे बोस, साहा, ये सब वो रोमांटिक फेज आप कह सकते हैं, ये सब स्टूडेंट अपना प्रोड्यूस कर रहे थे और उनके चारों तरफ एक परिमंडल हो रहा था। लेकिन साहा इन सब से हम कहेंगे कि सबसे ज़्यादा उनका विजन था। वो सोचे कि ऐसे तो चल नहीं सकता है, आज़ादी के साथ साथ हमारा साइंस का भी तो होना चाहिए तरक्की, उसके लिए ऑर्गेनाइजेशनल साइंस चाहिए। और जो बिग साइंस और साइंस का जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में साहा ही ऑर्गेनाइज थिंकिंग जो जिसको हम कहते हैं वो साहा किए थे, इसलिए हम उनको कह सकते हैं बहुत सिग्निफिकेंट साइंटिस्ट थे हमारे देश के लिए। पुराने दस्तावेजों से एक दौर को जानना अलग बात है, लेकिन उन दिनों को देखने वालों से मिलना कुछ और ही अनुभव। ये जर्नल साहा की कोशिशों से शुरू हुआ था। इसके पन्ने उलटते हुए मैं अपने आप को साहा के वक्त के बहुत करीब महसूस करती हूँ, शायद इसलिए कि इस बिल्डिंग में वो स्कॉलर्स हैं जिनको साहा ने पढ़ाया था, इसलिए भी कि इस जर्नल का दफ्तर अब भी यही नीचे है, इसी कैंपस में। प्लानिंग कमीशन के बनाने के पीछे भविष्य में औद्योगीकरण का विचार था ना? सोचा गया था कि अगर गरीबी या बेकारी की समस्या से जूझना है, राष्ट्रीय सुरक्षा या आर्थिक तरक्की करनी है, तो बिना औद्योगीकरण कोई चारा नहीं। सी साहा कुड नेवर एक्सेप्ट द फिलोसॉफी ऑफ चरखा, ऑल्दो हिज गुरु पीसी राय वाज टोटली कन्वर्टेड टू इट। ही बिलीव्ड
that large-scale industrialization is extremely important to quickly develop the resources of the country and bring the results to the people of India. Shah, jab audyogikaran ke bare mein sochte the, usme ek bada hissa tha river planning. Ye isliye tha ki wo aaye the is Bengal ke gaon se jahan wo नदी में बाढ़ आना ये बहुत रेगुलर फीचर था. फिर बाद में जब वो साइंटिस्ट बन के सारा दुनिया घूमे, वो अमेरिका में देखे कैसे वहाँ टेनेसी वैली में काम हो रहा था, तब वो सोचने लगे कि हम भी ऐसा कर सकते हैं हमारे देश में, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े नदियाँ हैं और इसके पानी का हम उपयोग कर सकते हैं. और इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा रिवर प्लानिंग में होता है, ये शाह के सब राइटिंग से हम देखते हैं. बंगाल यूथ कॉन्फ्रेंस को अध्यक्ष के रूप में संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था, हमारे महान धर्म बनाने वालों ने अंधश्रद्धाओं और रीति रिवाजों की एक बड़ी दीवार खड़ी कर दी थी निचली जातियों पर अधिकार जताने के लिए, पर नतीजा ये हुआ कि खुद उन्हें ही हजारों सालों तक विदेशियों ने हाशिए पर कर दिया. हम गलती करेंगे अगर सादे जीवन को ही आदर्श मान बैठेंगे. हमारा कर्तव्य है कि पश्चिम की मशीनी संस्कृति से दूर ना रहे, बल्कि इन क्षेत्रों में महारत हासिल करे. मैं त्याग और बलिदान को कम नहीं आंकता, पर कार्य और शक्ति को ज्यादा महत्व देता हूँ. त्याग और बलिदान अक्सर अयोग्यता का दूसरा नाम बन जाते हैं. उस दौर की घटनाओं को देखते हुए उनकी बेचैनी समझी जा सकती है. हाँ, बेचैन तो वो हो रहे थे, क्योंकि जिस आज़ादी के बारे में साहा इतना सोचे थे, प्लानिंग के बारे में सोचे थे, अब वो इतना जल्दी इम्प्लीमेंटेशन तो नहीं हो रहा था, और जो भी हो रहा था उसके बारे में उनको बहुत कुछ कहना था, लेकिन वो कहते कैसे. इसलिए उन्होंने 1952 में तय किया कि वो पार्लियामेंट इलेक्शन में खड़े हो जाएंगे, और उन्होंने जीत भी लिया एक सीट कलकत्ता से, और 1952 में वो पार्लियामेंट आ गए. नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाने में उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई थी ना. The National Planning Committee, under the chairmanship of Pandit Nehru, actually was collected almost every important scientist in India, from north, south, east, west. Shah took a very important role, but there are many others played equally important role there also. Ye sare scientists Indian Association for Cultivation of Science se jude the. Bose aur Rai दोनों प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ाते थे. मेघनाथ साहा उनके विद्यार्थी रहे. महेंद्रलाल सरकार के सहयोगी आशुतोष मुखर्जी ने कॉलेज ऑफ साइंस शुरू किया, जो भारत में साइंस की पोस्ट ग्रेजुएशन की शिक्षा देने वाला पहला कॉलेज था. इतने सारे वैज्ञानिक एक ही समय में अलग अलग क्षेत्रों में काम करने के बावजूद कई बातों में विचारों का मेल. मुझे लगता है कि ये माहौल की बात है. ये सब एक ऐसे समय के लोग हैं जब स्वतंत्रता आंदोलन जोरों पर था. इसमें विज्ञान भी एक हथियार बना. उन्हें इस बात का एहसास था कि हमारे देश की गुलामी का एक कारण हमारा विज्ञान में पीछे रहना है. दुनिया भर में साइंस में जो हो रहा था उसमें हम पीछे न रहें, अपना साइंस खुद डिवेलप करें, खुद इंस्ट्रूमेंट्स बनाने के पीछे इस सेल्फ रिलायंस की आत्मनिर्भरता की भावना थी. यहाँ इस जगह कितने ही वैज्ञानिकों ने भाषण दिए होंगे. पढ़ाई और रिसर्च के लिए इंस्टीट्यूट शुरू करना, जर्नल्स छापना, बच्चों के लिए मैगजीन्स और अपने काम का डेमोंस्ट्रेशन करना, ये सब उनके लिए साइंस का ही एक हिस्सा था. इतना ही नहीं, विज्ञान में कितना कुछ हुआ इस काल में. रामानुजम का गणित में बड़ा मूलभूत योगदान रहा. विश्वेश्वरैया ने कई नदियों के बांधों पर काम किया और मैसूर में आयरन फैक्ट्री शुरू की. विदेश में जो तकनीकें इस्तेमाल हो रही थी उन्हें यहाँ पर उपयोग में लाने की कोशिश भी इसी काल की है. विज्ञान और उद्योग का संबंध और गहरा होता गया. तीसरे दशक तक साफ हो गया था कि अंग्रेजों के साथ और समझौतों से काम नहीं चलेगा. संपूर्ण आज़ादी की मांग शुरू होने को थी. पहले विश्व युद्ध के बाद दुनिया गंभीर आर्थिक संकट में थी, द ग्रेट डिप्रेशन.
अपनी नियोजित अर्थव्यवस्था के कारण केवल रूस ही उससे जूझ सका था और हमारे नेता खासकर नेहरू इस बात से बहुत प्रभावित थे। सन 1938 में बनी नेशनल कांग्रेस प्लानिंग कमेटी इसी प्रभाव का नतीजा थी। उद्योगपति, वैज्ञानिक, नेता पहली बार ये सब एक साथ आए। इन्होंने कई समस्याओं पर विचार किया। 29 सब कमिटीज को अपनी अपनी रिपोर्ट्स पेश करने को कहा गया। उन्हीं रिपोर्ट्स में से कुछ ये हैं। उनकी रिपोर्ट से उनके विचारों का अंदाज मिलता है। वैसे कई मुद्दों पर उनके कई मतभेद भी थे, जैसे कि परिवार नियोजन, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, खेती को प्राथमिकता दी जाए या उद्योगों को, और फिर किस प्रकार के उद्योग, हेवी इंडस्ट्री या कॉटेज इंडस्ट्री। उनकी उपलब्धियों में से एक ये भी है कि औद्योगिकरण के बारे में गहराई से सोचा गया। अलग अलग इंडस्ट्रीज का विकास, अलग अलग तकनीकों का विकास, उनके लिए सरकारी मदद, उनकी समस्याएं सुलझाने के लिए शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना। लेकिन हर रिपोर्ट में उस समय के सबसे विकसित तकनीक को अपनाने और रिसर्च पर जोर दिया गया था, और इस पर भी कि अकेले विज्ञान तरक्की नहीं कर सकता है, उसके लिए एक सामाजिक व्यवस्था के आधार की ज़रूरत है। ये वाकई एक ऐतिहासिक घटना थी। पहली बार इतने व्यापक रूप से इन समस्याओं पर सोचा गया था। आगे चलकर आज़ाद भारत की नीतियों पर भी इन रिपोर्ट्स का प्रभाव पड़ा। उन दिनों हमारे उद्योगों का क्या हाल था, इसकी मिसाल है कोयला उद्योग। ऊर्जा का मुख्य स्रोत तब कोयला ही था। इसके विकास की अपनी एक कहानी है। अमृता कई स्कॉलर्स और कोयला विशेषज्ञों से मिली इसे जानने के लिए। बिहार में धनबाद के पास कोयले का बड़ा भंडार है। भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की यहाँ खदानें हैं, जिनमें से धातु उद्योगों के लिए कोयला निकाला जाता है। मेरी वहां मुलाकात हुई श्री के मल्होत्रा से, जो भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में एनवायरमेंटल इंजीनियर हैं। हम लोग ओपन कास्ट माइनिंग बोलते हैं, इससे हम लोग कोयला निकालते हैं, जबकि पहले ज़माने में अंडरग्राउंड का तरीका से ही कोयला निकाला जाता था। तो अभी अंडरग्राउंड माइंस हैं यहाँ पर? अंडरग्राउंड माइंस हैं जो काफ़ी पुरानी हैं। और ये खदान से कितना प्रोडक्शन होता होगा? ये पुराने ज़माने का खदान चला हुआ है, अंडरग्राउंड है। तो इतना सा ही कोयला निकालते थे पहले माए? क्योंकि इतना सा कोयला ही अच्छी क्वालिटी का था, बाकी ऊपर में थोड़ा सा जो है वो जिसको वो मार्केट नहीं कर सकते थे, या नीचे वाला है जिसको मार्केट नहीं कर पा रहे थे, उतना हिस्सा छोड़ दिया, और जिसको मार्केट कर पा रहे थे उतना ही हिस्सा जो है चलाते थे। और उस ज़माने में वाशरीज भी नहीं थी, इसीलिए जो कोयला सीधा जा सकता था स्टील प्लांट्स को या जो कंज्यूम हो सकता था, खाली उसी कोयला को। इन खदानों से निकाले गए कोयले का अगर स्टील या किसी अन्य धातु उद्योग में इस्तेमाल करना हो तो कोल वॉशिंग करना, यानी कोयले से न जलने वाली चीजें निकाल देना जरूरी होता है। लेकिन 1925 में एक सरकारी कमेटी ने कहा था कि यहाँ के कोयले में न जलने वाली चीजें इतनी मिली हुई हैं कि उसे साफ करने की कोशिश से कोई फायदा नहीं हो सकता। बरसों तक लोग यही मानकर चलते रहे, और ये कोयला जो साफ होकर धातु उद्योग के काम आ सकता था, सिर्फ रेल इंजन चलाने के लिए खर्च होता रहा। भारत में कोल वॉशरीज काम करने लगी 1950 के बाद ही, जैसे लोधना की ये वॉशरी बनी सन 55 में। आज तो हमारा कोयला साफ किया जाता है और धातु उद्योग में इसका इस्तेमाल भी होता है। आज़ादी की लड़ाई के माहौल में कोयला उद्योग से संबंधित कुछ लोगों ने इस बेहतर कोयले को जाया होने से रोकना चाहा। इस तरह मांग हुई कोयले के बेहतर उपयोग की।
और कोल वॉशिंग तकनीक के विकास के लिए सरकारी मदद की। पर इसमें न ही सरकार ने कोई दिलचस्पी ली, न ही खदान मालिकों ने। ये मालिक कौन थे? सर्विस के द्वारा अंग्रेजों ने खदानों का पता लगाया था और फिर ये जमीन लीज पर देने लगे थे। जिन खदानों का कोयला कम दर्जे का था वो भारतीयों को दी गई और 80% खदानें जिनसे बेहतर कोयला निकलता था सौंपी गई अंग्रेज कंपनियों को। कई खाने रेलवेज के पास थी। रेलवे की अपनी खदानें थी और वो कोयले के सबसे बड़े ग्राहक भी थे। इस तरह वो खुद तय कर सकते थे कि उन्हें कौन सा कोयला इस्तेमाल करना है और उसकी क्या कीमत होगी। तो उन्होंने तय किया कि सबसे अच्छा कोयला ही इस्तेमाल करेंगे, कम से कम कीमत पर। और यूं बढ़िया कोयला सस्ते में बिकने लगा। माइन का पुराने जमाने में डेवलपमेंट किया होता था। मुनाफा कमाने का एक ही रास्ता रह गया, किसी भी तरह खदानों से ज्यादा कोयला निकालना, भविष्य की सोचे बिना। सुरक्षा के बारे में तो सोचा ही नहीं गया। आज भी हमें इस झरिया कोल फील्ड में ऐसी कई पुरानी खदानें दिखती हैं जिनकी छतें गिर गई हैं या वो पानी से भर गई हैं। माइनिंग कंपनीज का काम करने का तरीका बड़ा ही अनसाइंटिफिक था, जिसके कारण से बहुत बार जमीन भी धंसा है और जमीन धंसने के कारण भी बहुत बार ऐसा हुआ है कि ऊपर में बिल्डिंग्स थी वो धंस गई हैं, जहाँ के पिलर बहुत छोटे थे और आग लग गया और ये पूरा जो है जमीन धंस गया है। आग बढ़ा भी है जहाँ पहले था और बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि आग जहाँ नहीं था वहाँ भी लग गया है। कई खदानों में उस समय लगी आग भी अब तक जल रही है और इस दरमियान कहीं कहीं पर तो ये आग कई किलोमीटर की दूरी तक फैल गई है। मैंने पढ़ा था कि 1931 से 45 के दरमियान इस झरिया कोल फील्ड में कुछ 300 मिलियन टन कोयला नष्ट हो गया था आग में जलने से, और जिसमें से 75% अच्छा कोयला था। जी हाँ, क्योंकि पहला झरिया कोल फील्ड का फायर 1916 में हुआ है, इसीलिए काफ़ी हद तक जो है कोयला जो आग में जल रहा है अभी भी और जल रहा था उस जमाने में, हाँ, वो अपर सीम्स में था जो कि अच्छी क्वालिटी की है। अभी भी करीब करीब 100 फायर जो है झरिया कोल फील्ड में है जो जल रही हैं अभी भी, और कोयला जो है लास्ट चल ही रहा है। खैर, बात हो रही थी कोल वॉशिंग की। इस दिशा में सरकार ने कुछ नहीं किया। जहां तक बड़े खदान मालिकों का सवाल था, उनका कोयला तो वैसे भी बिक रहा था, पर छोटे खदान मालिकों के पास वॉशरीज में लगाने के लिए पूंजी कहां थी। हालांकि उनको तो इन प्रयोगों से फायदा ही होता, तो ये सारे प्रयोग बस छुटपुट तौर पर अलग अलग जगहों पर होते रहे। किसी तकनीक का विकास तो बहुत सी बातों पर निर्भर करता है। कोयला उद्योग पर भी ये बात लागू हुई। धीरे धीरे देश में स्टील इंडस्ट्री और अन्य धातु उद्योग बढ़ रहे थे, जो मांग कर रहे थे अच्छे दर्जे के कोयले की। और दूसरे महायुद्ध से ऊर्जा संकट भी पैदा हुआ था, तो कोल वॉशिंग तकनीक का विकास जरूरी हो गया। और अब देखते ही देखते बात बनने लगी। न सिर्फ वैज्ञानिक और इंजीनियर्स, न सिर्फ भारतीय खदान मालिक, बल्कि अंग्रेज खदान कंपनियां और कोयले के ग्राहक भी एकजुट हुए। सरकार का भी समर्थन मिला। एक सरकारी फ्यूल रिसर्च कमेटी बनी
कोल वॉशिंग स्टडीज और प्रयोग शुरू हुए। जगह जगह से नमूने इकट्ठे किए गए, टेस्टिंग प्लांट लगाए गए। 1946 तक ये भी तय हो गया कि किस तरह का कोल वॉशिंग प्लांट लगना है। एक प्रचलित तकनीक जो दूसरे देशों में इस्तेमाल हो रही थी, बरसों यहाँ नहीं आई, लेकिन जब आई तो बहुत जल्द सफल हुई। क्यों? वैज्ञानिकों की ओर से दबाव, या बेहतर कोयले का खत्म हो जाना, या फिर वो संकट जो दूसरे विश्व युद्ध की वजह से पैदा हुआ। चाहे तो विज्ञान से कर सकते हैं विनाश, देश के विकास की हमने की थी इससे आस। देखे कितने सारे सपने जब आजादी हमने जीती। पर उस विज्ञान और स्वाधीनता संग्राम, इनके एक दूसरे पर प्रभाव की मिसाल है सहा जैसे वैज्ञानिक और नेहरू जैसे नेता। इनके लिए विज्ञान सिर्फ एक हथियार नहीं, बल्कि उनके विचारों, उनके जीवन का आधार था। विज्ञान से जुड़े तर्क और मानवता पर आधारित मूल्यों पर उनका विश्वास था। गांधी जी जैसे अहिंसावादियों के साथ डॉक्टर अम्बेडकर और डॉक्टर लोहिया, इन जैसों से लेकर भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों तक, या यूं कह सकते हैं कि आपसी मतभेदों के बावजूद सभी स्वाधीनता प्रेमी बुद्धिवाद, अनुभव और मानवतावाद के बारे में, विज्ञान के महत्व के बारे में सहमत थे। ये सब लोग एक ऐसे भविष्य के सपने देख रहे थे जहां विज्ञान और तकनीक हमारे समाज को बदल देगी, सारी समस्याएं विज्ञान सुलझाएगा। उनका वर्तमान कई समस्याओं और चुनौतियों से घिरा था। इनमें से कई समस्याएं ऐसी हैं जिनका सामना हमें आज भी करना पड़ रहा है। 1947 तक आते आते बुद्धिवाद और मानवतावाद के साथ साथ देश में सांप्रदायिक ताकतें भी उभर रही थी। और 15 अगस्त 1947 को जब हमने आजादी पाई तो खुशी के साथ साथ देश के विभाजन का दुख भी था। सारे लोगों ने इन दो भावनाओं को महसूस किया। गांधी जी और नेहरू शायद लोगों के इन भावनाओं के प्रतीक थे। गांधी जी कलकत्ता में अनशन पर बैठे थे सामुदायिक दंगों और हत्याओं के खात्मे के लिए। नेहरू लोगों को इस दुख से निकलकर आजाद भारत के नए क्षितिज की ओर देखने प्रेरित कर रहे थे। लोगों ने भी नेहरू की इन भावनाओं का पूरा साथ दिया और विभाजन, दंगे, इनके बावजूद भी लोग लंबे संघर्ष के बाद पाई गई स्वतंत्रता का जश्न मनाने लगे।